तो आप सभी को यहाँ पे केपी जे स्टार की तरफ से जय। तो आज की बात करने बोले यहाँ पे न्यू भर्ती के बारे में, आपको बता दूं यहाँ पे काफी सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि सर इस समय कौन कौन से जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे लग रहे हैं। तो आपको बता दूं एसएसपी के इस समय ऑनलाइन फॉर्म लग रहे हैं, सीआईएसएफ के ऑनलाइन फॉर्म लग रहे हैं, असम राइफल के इस समय ऑनलाइन जो फॉर्म है वो यहाँ पे लग रहे हैं। इन तीनों भर्तियों के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। वीडियो स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो यहां पे आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के हमारे पास 70 पीडीएफ है, यानी कि 70 पीडीएफ है जिनमें आपको 8000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे, जिसका प्राइस हमने सिर्फ 320 यानी कि 320 रुपए हमने प्राइस रखा है। और हम आपको 70% गारंटी देते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में हमारे पीडीएफ में से 70% जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आएंगे। अगर आपने ये पीडीएफ लेने हैं, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए। सबसे पहले आपको 320 पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करोगे हम उसी टाइम जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। अब यहां पे सबसे पहले भर्ती की बात कर लूं असम राइफल की, तो आपको बता दूं यहां पे असम राइफल की तरफ से टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की जो भर्ती है वो यहां पे निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की आपकी जो लास्ट डेट है वो यहां पे 19 नवंबर रहने वाली है। ठीक है, 19 नवंबर तक आप सभी अपना जो फॉर्म है वो यहां पे लगा पाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं जो आपकी एप्लीकेशन फी है जनरल ओबीसी के लिए, ग्रुप बी के लिए 200 रुपया रहेगी, ग्रुप सी के लिए 100 रुपया रहेगी, एससी एसटी के लिए कोई फी नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी कि लड़कियों के लिए भी कोई इसमें फी नहीं है। तो यहां पे आपको बता दो रैली शेड्यूल जो आपका है वो यहां पे 18 दिसंबर 2023 यहां पे बताया गया है। तो वही आगे की तरफ आपको यहां पे लेके चलता हूं, तो यहां पे वैकेंसीज आपकी बहुत ही कम है, 161 वैकेंसीज निकाली गई है। यहां पे एज आपकी अलग अलग दी गई है, 18 से 23 भी रखी गई है, 18 से 30 भी रखी गई है। वो आपको बता दो यहां पे अलग अलग जो आपकी वैकेंसीज है उसके हिसाब से आपकी पोस्ट के हिसाब से जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे जे रही इसकी जानकारी। तो बाकी आगे की तरफ आपको लेके चलो तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एसएसबी के यानी कि सीमा सुरक्षा बल के भी आपके फॉर्म लग रहे हैं स्पोर्ट्स कोटा के, इसमें 20 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी, एप्लीकेशन फी आपकी 100 रुपया रहेगी। यहाँ पे नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे वैकेंसीज 272 इसमें वैकेंसीज है, एसएसबी स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज है, 272 वैकेंसीज रहेगी। 10th पास आपकी मांगी गई है, एज आपकी 18 से 23 होनी चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है तो आपको 5 साल की छूट, ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल की जो छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। हाइट आपकी 170 मांगी गई है, 157 गर्ल्स के लिए यहाँ पे 80 सेंटीमीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, रनिंग भी यहाँ पे बताई गई है, पूरी जानकारी दी गई है। वही आगे की तरफ आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ जे जो वैकेंसीज है आपको बता दूं सीआईएसएफ की यहाँ पे रहने वाली है, हेड कांस्टेबल की, स्पोर्ट्समैन की, इसमें भी 28 नवंबर जो आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म की वो यहाँ पे रहेगी। एप्लीकेशन फी की बात कर लो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया रहेगी, एससी एसटी के लिए कोई फी इसमें नहीं रखी गई है। वैकेंसीज की बात करूँ 215 आपकी टोटल वैकेंसीज है, 12th पास इसमें मांगी गई है, और इसमें भी आपका स्पोर्ट्स कोटा का आपके पास जो स्पोर्ट्स कोटा का जो नया आपको बता दूं किसी भी स्पोर्ट्स में आपके पास यहाँ पे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी जो आपकी एज 18 से 23 रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की जो एज में छूट है वो यहाँ पे इसमें मिलने वाली है। तो जे रही यहाँ पे तीन भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप भी घर बैठे नई से नई भर्तियों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद जय भारत।